जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। दोस्तों आप सभी के लिए 2021 में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, RPF रेलवे पुलिस फोर्स में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही जल्द न्यू वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको कांस्टेबल पद पर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और SI पद के लिए वैकेंसी दिखने वाली है। दोस्तों जैसा कि एक समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पे आपको विज्ञापन दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल एवं सब इंस्पेक्टर बन सकेगी महिलाएं, आधी सीटें मिलेंगी करके यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर के लिए रेलवे भर्ती परीक्षा शुरू करने जा रहा है। करीब 9000 पदों पर होने वाली भर्ती में इस बार आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर महिलाओं को आधी सीट मतलब 50% आरक्षण देने की संभावना है। इस पर पहले ही इसका एडवर्टाइज दिया गया है। दोस्तों आपको मैं एक बता दूं कि 9000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये एक फेक नोटिफिकेशन है। दोस्तों ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आपको एक दिखा दूं कि आपको सभी को पता होगा कि रेलवे मंत्री, आपको सभी को पता होगा कि पीयूष गोयल ने ट्वीट के माध्यम से दिखाया है। ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए के लगभग 9000 पदों के लिए ये रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, उनमें से 50% महिलाओं को लिया जाएगा। तो दोस्तों आप ये देखिए, इसको कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बताया हूँ कि 9000 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं RPF में कांस्टेबल पद के लिए और SI के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा इसका डिटेल। अब मैं इसका थोड़ी और डिटेल आपको देने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाता है करके। तो दोस्तों ये रहा RPF का, आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है करके। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो 9000 पोस्ट आपने को देखने को मिलने वाली है RPF में कांस्टेबल पद और SI के लिए। दोस्तों मैंने आपको पोस्ट बताया है कांस्टेबल और कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये वैकेंसी। मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी जारी होने वाली है। दोस्तों वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया हूँ कि 9000 वैकेंसी आने वाली है और जो इसका अप्लाई मोड होगा, जो ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों ये जो वैकेंसी होगी ये ऑल ओवर इंडिया के लिए होगी, इसके ऑल इंडिया के कैंडिडेट कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, OBC और जनरल के लिए इसका 500 रुपये होगा और ST और SC के लिए जो रहेगा दोस्तों 250 रुपये होने वाला है। दोस्तों इसमें आपका फंड्स भी रिटर्न कर दिया जाएगा, 400 रुपये हो सकता है आपको रिटर्न मिल सकते हैं एग्ज़ाम के बाद। अब हम बात करें दोस्तों इसमें एज रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग 18 से 25 ईयर तक यदि आपकी एज है तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों ये था सभी के लिए 18 से 25 ईयर तक एज, ये सभी का था। जो आपका एज काउंट किया जाएगा, एज आपका जो एज रहेगा लास्ट 1 जनवरी 2021 तक रहेगा। दोस्तों एक गवर्नमेंट शुल्क के हिसाब से आपको एज में छूट भी दी जाती है। OBC के लिए 3 ईयर की छूट है दोस्तों, और ST और SC के लिए 5 ईयर की छूट रखी गई है। तो दोस्तों ये था पूरे, आपको एज का इसमें छूट भी दी जाती है। और हम हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। दोस्तों मेल कैंडिडेट में आपकी जो हाइट होनी चाहिए 165 आपकी हाइट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो फीमेल है, फीमेल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 157 हाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों यदि आप नॉर्थ इंडिया सिटीजन कैंडिडेट से हो तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 162 होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और दोस्तों हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। पहले हम जनरल OBC और SC की बात करें तो दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और दोस्तों जो ST है उसके लिए 77 से 82 आपका चेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। रनिंग टेस्ट की बात करें दोस्तों तो रनिंग में आपका 1600 मीटर रनिंग कराई जाएगी जिसको आपको 5 मिनट और 45 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा। और रनिंग जंप, हाई जंप की बात करें तो 4 फीट आपका हाई जंप होगा और लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट आपका लॉन्ग जंप होने वाला है। तो ये तो मेल कैंडिडेट के लिए था दोस्तों। और फीमेल के लिए हम बताएं तो फीमेल के लिए आपकी रनिंग होगी 800 मीटर रहेगी और जिसको फीमेल को 3.40 सेकंड में इसको 14 सेकंड में इसको क्वालिफाई करना होगा। जो हाई जंप आपका रहेगा 3 फीट रहेगा और लॉन्ग जंप आपका रहेगा 9 फीट रहने वाला है। और हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें तो यदि आप 10th पास हो दोस्तों, 10th पास हो तो आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका ग्रेजुएशन है, चाहे किसी भी चीज़ से आपका ग्रेजुएशन हो, तो आप SI पद के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की आपको बात करें, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी रहेगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैं आपको पूरी दे चुका हूँ कि रेलवे RPF में क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या एज रखी जाती है करके। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, सभी लोगों का कहना है कि ये जो वैकेंसी है जनवरी के माह में दिखाने को, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जनवरी के माह में वैकेंसी आने वाली करके। दोस्तों तो जनवरी के माह में ये वैकेंसी नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूँ कि अभी आपने देखा होगा NTPC
एनटीपीसी और रेलवे डिग्री के फॉर्म अभी चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो दोस्तों जब तक इनके एग्ज़ाम एंड नहीं हो जाते, जब तक इनके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आरपीएफ इसकी वैकेंसी नहीं निकालेगा। दोस्तों जैसे ही इनके यदि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले रहेंगे तो वैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये 3 मंथ के बाद ही इसका जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रेलवे बोर्ड अभी एनटीपीसी और रेलवे डिग्री के एग्ज़ाम कराने में बिजी है। तो दोस्तों जैसे ही यदि इसका नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले हम आपके लिए इसके वीडियो बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों हम अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से अपडेट न्यूज़ लाते रहते हैं, और जो आपके लिए न्यू वैकेंसी जारी होती रहती है गवर्नमेंट्स के लिए, तो हम वो गवर्नमेंट्स न्यूज़ आपके लिए हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट अपडेट की न्यूज़ आपसे कभी भी चूके ना। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।